ओके तो आज हम आपके साथ, ये हमारी पहली क्लास है और आपने एज ए डेमो ज्वाइन किया हुआ है। तो पहले जो जी सॉफ्टवेयर है इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। आपने जो हमारी ये जी सॉफ्टवेयर जूम ऐप के जरिए हमने हमें कनेक्ट किया है, हाँ ये जूम ऐप आपके सिस्टम पे, आपके मोबाइल फोन पे, आपके टैबलेट, किसी भी प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है। और एक इसका काम इतना ही है कि मेरी कंप्यूटर कंप्यूटर स्क्रीन को आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, आपके मोबाइल के ऊपर लाइव टेलीकास्ट करना और मेरे वॉइस को भी आपके साथ पहुंचाना, और साथ में आपकी वॉइस को मेरे पास पहुंचाना। साथ में अगर आप चाहो तो अपनी स्क्रीन को भी मुझे शो कर सकते हो। ये टू इन वन होता है, जी मतलब कि मैं जी भी स्क्रीन शो कर सकता हूँ और आप भी अपनी स्क्रीन शो कर सकते हो। जैसे मैंने कुछ आपने बनाया, कुछ प्रॉब्लम आपके साथ है, तो आप भी मुझे हाँ दिखा सकते हो। और ओके साथ में ये सेशन को रिकॉर्ड भी करता है। तो सेशन को रिकॉर्ड करने के लिए आप अल्ट प्लस आर शॉर्टकट प्रेस कीजिए, ये सेशन रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। ऑल्ट या रिकॉर्डिंग ओके स्टार्ट हो गई। अभी क्या करेगा कि आपकी जो भी सेशन क्लास के बाद आपके डॉक्यूमेंट में जूम फोल्डर बनाएगा, माई डॉक्यूमेंट के अंदर, और इस ओके जूम फोल्डर में डेट एंड टाइम के साथ वो अपनी रिकॉर्डिंग को रख देगा, ओके अच्छा और साथ में वो रिकॉर्डिंग को कन्वर्ट भी कर देगा। जैसे कन्वर्ट कर दिया ना MP4 पे, तो कन्वर्ट भी कर देगा आपको, ताकि आप उसको इजीली प्ले कर सके किसी भी डिवाइस के अंदर में। जी अब बात करते हैं हमारी ऑनलाइन क्लासेस, क्यों ऑनलाइन क्लासेस की जरूरत क्यों है। देखिए, ओके अभी तक जो ट्रेंड है हमारे पढ़ने का कि हम लोग किसी ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं, क्लास में बैठते हैं, एक फैकल्टी टीचर आता है, हमें बोर्ड पे समझाता है, हमें सिस्टम पे करके दिखाता है, प्रोजेक्टर पे करके दिखाता है, राइट। तो हमारा अब एक ट्रेनर क्या करेगा ट्रेनिंग सेंटर में, अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को प्रोजेक्टर के साथ अटैच करके प्रोजेक्ट करके दिखाएगा आपको। सेम तरीके से मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को आपकी स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, हाँ, आपस में बातचीत। अब इसकी फायदा फायदा नंबर पहला है आपका कि आप किसी ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे तो वहां पे आपको हर एक चीज नोट करना पड़ता है। आप याद करेंगे अपने कॉलेज लाइफ को या फिर स्कूल लाइफ को, जैसे जैसे टीचर बोर्ड पे लिखते हैं उस तरह से हम कॉपी में उतारते चले जाते जी हैं, और धीरे धीरे हम भूलते जाते हैं और हमारी कॉपी भी गायब होती चली जाती है। जी ठीक है, हाँ सर तो यहाँ इसमें क्या है, इसमें हर सेशन को रिकॉर्ड किया जाता है और रिकॉर्डिंग आपको दिया जाता है। दूसरी, हम हर एक चीज को आपके सामने करके दिखाते हैं, हर एक एक्सेल में हर एक फीचर को हम आपको अप्लाई करके बताते हैं, समझाते हैं और उसको करके दिखाते हैं, आप समझते हैं, जी और आप चाहो तो साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अगर आपके पास मान लीजिए पीसी, अगर दूसरा पीसी है तो आप उसको करके भी देख सकते हो, या फिर क्लास के बाद आप इत्मीनान से रिकॉर्डिंग को दोबारा से देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, हाँ और उसके बाद जब कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे वाया कॉल, वाया व्हाट्सएप पूछ सकते हैं, या फिर अगर प्रॉब्लम बड़ी है तो आप हमारी अगली क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके अब इसका जरूरत इसलिए होता है मैम कि मैं मोस्टली जो ये जो हमारा एडवांस एक्सेल है, वो एडवांस एक्सेल की ट्रेनिंग मोस्टली प्रोफेशनल लोग लेते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल, क्योंकि जो फ्रेशर होते हैं वो बेसिक एमएस ऑफिस करते हैं और उसी से वो काम चला लेते हैं। लेकिन जब वो किसी ऑफिस को ज्वाइन करते हैं, जब उनके पास काम का लोड पड़ता है, तो उनको एडवांस एक्सेल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो जी वो लोग मुझसे ट्रेनिंग लेते हैं, तो प्रॉब्लम क्या होती है उनके साथ कि 9 से 6 तो ऑफिस में होते हैं हाँ और 2 घंटा जाने में, 2 घंटा आने में, मतलब कि 7 से लेके आप 8 कह लीजिए ऑफिस के लिए, 8-9 ऑफिस के लिए उनका रिजर्व होता है, और 8-7-8 बजे के बाद कोई ट्रेनिंग सेंटर खुली होती नहीं है। जी है तो इसलिए हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग, पहले हमारा भी ट्रेनिंग सेंटर दिल्ली में था, हम ट्रेनिंग में भी ट्रेनिंग सेंटर चलाते थे, लेकिन जब हमने जब ऑनलाइन किया तो हमारा ऑनलाइन हमने रख दिया और ट्रेनिंग सेंटर को बंद कर दिया, क्योंकि ऑनलाइन जो है ज्यादा ज्यादा बेनिफिशियल थी, क्योंकि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है वो रात को 10 बजे, 11 बजे या मॉर्निंग में 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे ऐसे क्लासेस को ले सकते थे,
वो अपने पहले से, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने ऑफिस से ही वो क्लासेस को ले लेते हैं, ताकि वो मैं उनकी ऑफिशियल रिपोर्ट पे भी सपोर्ट कर देता हूँ. तो उनकी बेनिफिट ज्यादा हो गई. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि काफी एजेज हैं, जैसे कि 50 प्लस हैं. अब वो लोग किसी ट्रेनिंग सेंटर में जाने में हेजिटेट होंगे, तो वो लोग भी हमें पढ़ेंगे. दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है कि अगर किसी ट्रेनिंग सेंटर में आप जाएंगे तो वो अपनी पूरी सिलेबस को फॉलो करता है, क्योंकि वहां पे होता है ग्रुप, 10, 12, 15, 20 बच्चों का ग्रुप होता है. वो आपको सिंगल, जैसे आपको मैं सिंगल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऐसे वो सिंगल एक्सप्लेन नहीं करेंगे, राइट? तो लेकिन हमारे पास क्या होता है, जैसे आपने बोला कि मुझे 2 दिन में, मैंने कि 2 दिन में मैं एक्सेल इतना सीख लेना, इतना मैं काम कर सकूं, तो मैंने आपके हिसाब से कोर्स डिजाइन करूंगा और आपको ट्रेनिंग दे दूंगा जो कि आप ऑफिस में कर सकते. ऐसी फैसिलिटी किसी ट्रेनिंग सेंटर में मिलना मुश्किल होगा, क्योंकि उनको आपको ट्रेनिंग देने के लिए एक बैच छोड़ना पड़ेगा जी. तो ये फैसिलिटी हमने रखी, क्योंकि हमारे पास जो आते हैं वो लोग अपने काम से सिलसिले में सीखने के लिए आते हैं. तो पूरा सिलेबस कंप्यूटर का ओरिजिन और एक्सेल का ओरिजिन बताने की जरूरत नहीं है. उनको जो जरूरत है वो हम बताते हैं कि भाई आप अपने काम को किस तरह से करेंगे, तो उनके लिए हम देते हैं. साथ में हमारा अपना कोर्स भी चलता है. कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे एक्सेल पे एक्सपर्ट बनना है, तो हमारे पास उस लेवल का भी कोर्स होता है कि जो एक्सपर्ट की ट्रेनिंग दे. और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, मुझे कस्टमाइज ट्रेनिंग लेनी है, कुछ कुछ टॉपिक सीखना है, तो हम उस तरह की भी ट्रेनिंग दे देते हैं. तो ये ट्रेनिंग इसीलिए बेनिफिशियल है. और आपको थोड़ा भी फील अभी नहीं हो रहा होगा कि आप किसी ट्रेनिंग सेंटर या क्लासरूम में बैठे हुए हैं, नहीं बैठे हुए, राइट? इसमें कैमरा की भी फैसिलिटी है, हम कैमरा के जरिए भी फेस टू फेस भी कर सकते हैं. लेकिन क्या ना, कैमरा ऑन करने पे हमारा डबल ये चलने लगता है, तो बहुत सारे लोगों के इंटरनेट कनेक्शन उतनी स्ट्रांग नहीं होती है, इसलिए हम कैमरा जनरली ऑफ रखते हैं जी. उसके बाद अब बात करते हैं अपने क्लास के ऊपर. जैसे अब एडवांस एक्सेल, अब जानिए कि एक्सेल जो आपके पास नॉर्मल है, अब एडवांस एक्सेल कोई अलग का सॉफ्टवेयर नहीं है. एडवांस एक्सेल कहलाता है उसका यूज, समझ गया? एक्सेल का यूज ही हमारा एडवांस एक्सेल कहलाता है, एडवांस यूज. अब जैसे फॉर एग्जांपल कि आप लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, आपने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये हो गया नॉर्मल चीज है. और आपने थोड़ा बहुत पेस्ट स्पेशली पढ़ा होगा, पढ़ा है? नहीं. ओके. अब प्रॉब्लम क्या है कि अब मान लीजिए कि मैंने इसमें +20 किया, अब मैं इस 20 को उठाया और यहाँ पे कॉपी किया, अब यहाँ जो है अब यहाँ 20 का 20 रह गया, बट यहाँ पे 70 है. हमने क्या बोला? हमने बोला कि A1 + 20, मतलब कि A1 की वैल्यू जो यहाँ पे है उसकी वैल्यू में 20 को ऐड कर दे, राइट? तो 70 आ गया. जब मैंने इसको कॉपी करके कहीं और पेस्ट किया तो 20 का 20 रह गया, बट यहाँ पे मुझे 70 चाहिए. तो इसलिए हुआ क्योंकि उसकी फॉर्मूला को उसने पेस्ट किया और यहां ऊपर में 0 है, इसलिए. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पेस्ट स्पेशल यूज करेंगे. तो कॉपी पेस्ट नॉर्मल हुआ, पेस्ट स्पेशल एडवांस हुआ, या फिर इंटरमीडिएट कह सकते हैं. एडवांस तो नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग पेस्ट स्पेशल यूज करते हैं. अगर पेस्ट स्पेशल में वैल्यू कर दिया तो वैल्यू, तब इसकी फॉर्मूला नहीं आया, मतलब कि यहां पे जो A1 + 20 जो नहीं आया, इज़ 70 लिख दिया. इसको हम इंटरमीडिएट कह सकते हैं. अब एडवांस किसको कहेंगे, अब चलिए इसी ऑप्शन का एडवांस यूज बताता हूं आपको. जैसे कि 20 है, यहाँ पे 30 है. अगर जनरली आप कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो 30 रिप्लेस बाय 20 जी. लेकिन अगर आप पेस्ट स्पेशल यूज करते हैं, मतलब कि इंटरमीडिएट यूज करते हो पेस्ट स्पेशल में, तो यहाँ पे हमारे पास आता है ऑपरेशन एड. हमने इसको एड कर दिया, ये हो गया 50, राइट? मतलब जब हम पेस्ट स्पेशल गया, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल गया और यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दिया ऑपरेशन में, तो ऐड में क्लिक करने के बाद क्या होता है, जैसे वो कॉपी पेस्ट में रिप्लेस नहीं होती है, जहां से कॉपी होती है और जहां पेस्ट होती है उनके बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है. वो कैलकुलेशन जो आप सिलेक्ट कर दो, मैंने ऐड किया तो ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्ट होगा, डिवाइड किया तो डिवाइड होगा. ओके. और रिजल्ट आपके सामने आएंगे, जैसे 50, 20, 70, 70 होगा तो यहाँ पे देखिए 70 आ जाएगा. तो उसका शॉर्टकट की नहीं है सर? शॉर्टकट की भी है, लेकिन अभी समझाऊंगा आपको भी शॉर्टकट की, ठीक है ना?
मैं अभी जस्ट समझा रहा हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेसिक एक्सेल और एडवांस एक्सेल। ओके ओके, अभी आपको मैं एक्सेल नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि बेसिक क्या है, इंटरमीडिएट क्या है और एडवांस क्या है। क्योंकि बेसिक में भी आप उसी एप्लीकेशन की यूज करते हैं, इंटरमीडिएट में भी उसी स्किल की यूज करते हैं और एडवांस में भी उसी एप्लीकेशन को यूज करते हो। तो यहाँ यूज कहलाता है बेसिक, यूज कहलाता है इंटरमीडिएट और यूज कहलाता है एडवांस। अब देखिए इसका एडवांस क्या हो सकता है, जैसे कि हमारे कलीग थे, मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वो परसेंटेज में हमें कुछ बेचते थे। तो परसेंटेज अगर आपको एक्सेल में लिखना है, 20% लिखना है मुझे, तो 20 और फिर यहाँ परसेंट का सिंबल देके एंटर मारूंगा, तब जाके वो 20% होगा, राइट? जी। अगर मैंने यहाँ पे 20 रख दिया, उसके बाद इसके ऊपर परसेंटेज अप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा, 2000% हो जाएगा, राइट? मतलब क्या हुआ, जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, अगर मैं इसको जनरल फॉर्मेट करूं मतलब की, तो ये हो जाता है 0.2, राइट? तो मतलब अगर मुझे 20% परसेंटेज का सिंबल बाद में लगाना है, तो मुझे लिखना पड़ेगा 0.20, राइट? और उसके ऊपर हम परसेंट का सिंबल देंगे। तो ये प्रॉब्लम हो गया जी। अब यहां पे क्या हुआ कि हमारे कलीग जो है परसेंटेज का टाइटल देते थे और हमें एक डेटा भेज देते थे, राइट? अब क्या हुआ कि ये सारे मान लीजिए किसी टाइप के परसेंटेज है जिसको हमें अपने डेटा में कैलकुलेट करना है, और मेरा डेटा 73 इज द नंबर, राइट? बट मेरा जो है 0.73 मतलब कि परसेंटेज में, परसेंटेज के अकॉर्डिंग मेरा पूरा फॉर्मेट बना हुआ है जहां मैं इसको पेश करने वाला हूं। अब प्रॉब्लम हुआ कि अब यहाँ पे अगर मैं 73 डाल दूंगा तो 73 परसेंटेज हो जाएगा, मतलब कि 1=100 होता है इसमें। तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में अगर मैं एक एक सेल पे जाके इस तरह से परसेंटेज लगाऊं तो काफी टाइम लग जाएगा। मैं इस पर डबल क्लिक करूं फिर परसेंटेज लगाऊं, इस पर जाके डबल क्लिक करूं फिर परसेंटेज लगाओ, तो ये तो काफी ज्यादा, क्योंकि ये तो चलो अभी 10 कॉलन है तो आप 10 मिनट में कर लोगे, लेकिन जब ये बहुत ज्यादा होगा मतलब कि 50, 60, 100 कॉलम और नीचे भी रो में भी 100-200 रो होगा, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम करेगा ना। तो यहाँ पे मैं एडवांस मेथड, मैंने कि जो हमने कॉपी पेस्ट वाला मेथड अभी आपको बताया, इसी का एडवांस यूज क्या देखेंगे कि हम यहाँ पे 100 लिखेंगे और ये 100 को कॉपी करेंगे और इस पूरे को सिलेक्ट करके राइट क्लिक पेस्ट, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसमें हम राइट क्लिक और पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे और पेस्ट स्पेशल में हम यहाँ पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करते हैं और इसमें हम डिवाइड ऑपरेशन में क्या सिलेक्ट करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे डिवाइड डिवाइड। तो ये क्या करेगा, हर नंबर को 100 से डिवाइड कर देगा और यहाँ परसेंटेज। ये तो मैंने एक बहुत ही छोटा चीज बताया, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि बड़ी चीज आपको हो सकती समझ में ना आए क्योंकि अभी पहली क्लास है आपको तो नॉलेज कम है, इसलिए मैंने आपको अभी छोटी सी चीज बताई कि एडवांस एक्सेल होता क्या है। तो हम आपको अपनी क्लासेस में यही सिखाएंगे कि जो ऑलरेडी चीजें दी गई है मेनू बार में उसका नॉर्मल यूज तो आप जानते हैं या सीखे हुए हैं, या फिर इसकी हेल्प में जाके भी आप देख सकते हैं कि इसका यूज क्या है, लेकिन इसका एडवांस यूज मतलब कि इसका अपने ऑफिशियल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, ऑफिशियल प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग इसका एडवांस यूज हम कैसे करेंगे, ये कहलाता है एडवांस सेक्शन, ताकि हम अपने काम को कम कर सके। तो मेरे पूरे ट्रेनिंग का यही फोकस होता है कि आप एक्सेल के ऊपर जब काम करें तो आप कम से कम अपना मैन पावर यूज करें, ज्यादा से ज्यादा ऑटोमेटेड हो जी। तो हमारी ट्रेनिंग का यही फोकस होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सेल और एडवांस एक्सेल के बीच में क्या डिफरेंस है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमें जो फ्रेशर होते हैं, जो ऑलरेडी वर्किंग है वो तो कोई दिक्कत नहीं, जो फ्रेशर होते हैं वो मुझसे यही सवाल पूछते हैं कि एडवांस एक्सेल की अलग से एप्लीकेशन लेना पड़ेगा, एडवांस एक्सेल होता क्या है। तो एक्सेल का यूज, ऑटोमेटेड यूज या ट्रिकी यूज या एडवांस यूज ही एडवांस एक्सेल कहलाता है।
राइट। और इस तरह की जो ट्रेनिंग है आपको मोस्टली वही लोग सही तरीके से दे सकते हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल होंगे, मतलब कि 8-10 साल इस फील्ड में काम कर रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर बुक नहीं है, इसका कोई ट्यूटोरियल नहीं है जिसको आप कर सकते हो, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का अलग अलग यूज होता है, हर डिपार्टमेंट के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है। तो जो 8-10 साल डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम कर रखा है स्टूडेंट, जो भी प्रोफेशनल है, उनको उनकी नॉलेज, उनके उनका नॉलेज और एक ट्रेनर का नॉलेज में काफी डिफरेंस होता है। क्योंकि तो जब मैं शुरुआत में लर्निंग के लिए बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था, तो मुझे हर जगह से निराशा ही हुई थी, क्योंकि मुझे जितना वो सिखाते उतना ऑलरेडी मुझे आता ही था। हमें जानना था इस तरह की चीजें, इस तरह की ट्रिक्स जानना था, ताकि हम अपने काम को इजी कर लें। और मैं अपनी ट्रेनिंग 2007 से स्टार्ट किया हूँ, 2007 से ट्रेनिंग दे रहा हूँ मैं। ओके। हाँ, मतलब कि मुझे ट्रेनिंग देते हुए 13 साल हो चुके हैं एक्सेल के ऊपर, और 2003 से मैंने अपना कैरियर एक्सेल में कैरियर स्टार्ट किया था, तो कैरियर समझ लीजिए हमारा हो गया 16 साल। तो हम अपने ट्रेनिंग में ये 13 और 16 साल का जो एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस को डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप अपने ऑफिस में अपना काम को सही तरीके से करें, ताकि आपके काम का स्पीड और साथ में एक्यूरेसी बरकरार रहे। राइट। अब हम कोर्स के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो कोर्स की डिटेल जानने के लिए आप मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जा सकते हैं। मेरी वेबसाइट है iptindia.com। तो मेरे पास ट्रेनिंग के मीडियम समझ लीजिए, सबसे पहली हमारी क्लासेज है ऑनलाइन क्लासेज, राइट, लाइव ऑनलाइन क्लासेज होता है, जो कि अभी आपके साथ दे रहा हूँ। दूसरा हमारे पास है पेन ड्राइव्स, राइट, मतलब कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास, उनको करना तो पूरा कोर्स है लेकिन ऑनलाइन नहीं कर सकते, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, टाइम की प्रॉब्लम है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो लोग हमारी रिकॉर्डेड पेन ड्राइव को परचेज कर सकते हैं। रिकॉर्डेड पेन ड्राइव में वही चीज होता है जो हम आपको क्लासेज में, ऑनलाइन क्लासेज में सिखाते हैं, बट यही होता है कि एक बैच का रिकॉर्डेड होता है जिसमें आपके डाउट्स रिपीटेशंस नहीं आता है, नहीं कवर होता है, लेकिन जब ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो हम आपके अकॉर्डिंग आपके तरीके से एग्जाम्पल बना के समझाते हैं, ताकि आप इजिली समझ जाए आपकी प्रॉब्लम पे, हम आपके ऑफिशियल प्रॉब्लम पे, आपके नॉर्मल प्रॉब्लम पे हम आपको पूरी एग्जाम्पल देते हैं और पूरी सपोर्ट देते हैं। तो यही डिफरेंस है दोनों में, ओके? और तीसरा जो हमारा है फास्ट ट्रैक, मतलब कि अब जैसे कि मान लीजिए हमारी ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन करेंगे जो रेगुलर क्लास है, उसमें क्या होता है कि हम पूरी सिलेबस को फॉलो करेंगे, जैसे ये सिलेबस हमारा, पूरी सिलेबस को हम फॉलो करेंगे, जिसके लिए आपको तकरीबन देने पड़ेंगे 35 घंटे के आसपास, ये भी आपका एवरेज है, ये बढ़ भी सकता है, 40 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, या 25 भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है लर्निंग के जो लर्नर है उसके ऊपर। और आप 35 या 25 घंटे आपको एक दो दिन में तो दे नहीं पाऊंगा ना मैं, तो इसके लिए हमने ड्यूरेशन 2 महीने 1.5 महीने का रखा हुआ है कि आपको डेली 1 घंटे के आसपास हम ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। और हमारी क्लासेस में आपको हर क्लास की वीडियोज, नोट्स, प्रिय बुक्स, आर्टिकल, और एक और ऑप्शन होता है फ्री रीज्वाइनिंग, कि इन फ्यूचर में कभी भी हमारे कोर्स को रीज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए भी आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा, राइट। लेकिन अब दूसरी बात आती है, हमारा दूसरा कोर्स आता है, वो आता है फास्ट ट्रैक। अब ठीक है, तो फास्ट ट्रैक में जैसे कि आप देखिए कोर्स आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा कोर्स आउटलाइन है, राइट, लेकिन ये सारा कोर्स आपको हम कवर नहीं करेंगे, ओके, समझ जाइए क्यों, क्योंकि वो इसलिए कोर्स आउटलाइन दिया हुआ है कि आप इसमें से अपने टॉपिक चूज कर सकते हैं, जो टॉपिक आपको करना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अपने हिसाब से टॉपिक सिलेक्ट करते हैं, और कुछ होता है कि सर आप मेरे हिसाब से, आप अपने हिसाब से टॉपिक सिलेक्ट कर दीजिए, तो मैं उनके लिए टॉपिक सिलेक्ट कर देता हूँ कि उनको क्या क्या की जरूरत है। और कुछ लोग होते हैं कि नहीं, मुझे खुद टॉपिक स्टार्ट करना है, जैसे कुछ लोगों को बहुत ज्यादा पिवट टेबल पे इस्तेमाल होता है, तो बोलते हैं सर मुझे पिवट टेबल सिखा दीजिए।
तो हम पिवट टेबल उनको सिखा देते हैं। और एक क्लासेस जो है हमारे 3 से 4 घंटे की होती है, पहले बता दूं आपको। मतलब कि वही आपको 4 घंटे के आसपास मिलता है, और आपको इसकी जो फीस पे करनी पड़ती है वो पे करनी पड़ती है 3500। ठीक है, और एक क्लासेस चलती है। ठीक है, तो इसमें आप, इसमें हमने थोड़ा सा करेक्शन किया है, इसमें 3500 फीस नहीं रह गया, 3000 फीस रह गया इसकी, समझ गया? ओके, 3000 फीस रह गई इसकी अब, और 4 घंटे का हम 3000 रुपीज लेते हैं, क्योंकि 6 घंटे के लिए 3 दिन देना पड़ जाता था, तो 3 दिन किसी के पास होता नहीं था ना, वो मंडे टू सैटरडे एंड संडे ले पाते थे, तो इसे वेबसाइट में अपडेट करने के लिए बोला है, लेकिन उन्होंने अपडेट नहीं किया, तो 2 दिन रह गई है सैटरडे एंड संडे, उसमें आपको 2 से 2.5 घंटे, मतलब कि 4 से 5 घंटा एवरेज है, समझ गए ना? ये जैसे नहीं कि 4 घंटे ही आपको मैं पढ़ाऊंगा, ये 2 से 2.5 घंटे आपको दूंगा, हम जो टॉपिक सेलेक्ट करेंगे वो टॉपिक अगर 2 घंटे में कंप्लीट होगी तो 2 घंटे, अगर 2 घंटे से माना कि ज्यादा लगा तो हम 2 से 2.5 घंटे भी कर देते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं करते हैं, टॉपिक में हमें डिपेंड होता है हम टॉपिक कितना जल्दी सिखा दें, तो फास्ट ट्रैक में होता है, लेकिन एक कंडक्ट आपका होता है, तो एक क्लासेस भी हमारे पास है, लेकिन उनके लिए है जो थोड़ा बहुत सीखना चाहते हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस ही बेनिफिट होता है। ठीक है, ओके, तो डिपेंड करता है आपके इस पे, तो आप लोग इसकी कोर्स को आराम से देख सकते हैं, टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हो। और दूसरी चीज याद है कि मेरा पढ़ाने का स्टाइल कैसा है, मैं क्या पढ़ाता हूँ, मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ तो आपने देख लिया, लेकिन पढ़ाने का स्टाइल वगैरह क्या है, तो उसके लिए आप जो है मेरी यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं। ओके, ठीक है ना, मेरी यूट्यूब चैनल पे आप जा सकते हैं, हाँ यूट्यूब है, यूट्यूब पे क्लिक करेंगे, या फिर YouTube खोले, YouTube चैनल अगर आपको नहीं मिल पा रहा है, किसी दिक्कत हो रही है, तो आप YouTube खोले और YouTube के ऊपर आप सर्च करें IPT इंडिया, राइट? जैसे आप IPT इंडिया को सर्च करते हैं, अब मेरा चैनल आ जाएगा, और देखिए 2075 वीडियो, हालांकि 3000 लेके कुछ वीडियो मैंने हिडन कर रखे हैं, 2075 वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं इसमें। ओके, समझ गए? तो आप मेरे चैनल पे, यहाँ चैनल पे क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद मेरी वीडियोज को आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, 2000 से ऊपर वीडियोज है, अगर चैनल सब्सक्राइब करना है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड, डेली 2-3 घंटे वीडियो, 2-3 वीडियो डेली अपलोड करता हूं हमारा, तो ये वीडियोज आप देख ले। ये सारे वीडियोज क्या है, ये सारे वीडियोज मैंने स्पेशली रिकॉर्ड नहीं किए हुए, ये सारे वीडियोज हमारी क्लासेस की वीडियोज है, जो मैं दिन भर में जो 15-16 बच्चों को ट्रेनिंग देता हूं, तो उसमें से मैं 2-3, 3-4 जो भी हुआ, जितना हो सका एवरेज होता है 2-3, मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे जाके देखें कि मैं किस तरह से ट्रेनिंग दे रहा हूँ, किस तरह से पढ़ा रहा हूँ, आपको खुद आइडिया लग जाएगा। उसके बाद मेरे वीडियोज पे डले हुए कमेंट भी देख लीजिए, हो सकता है कि कोई कमेंट तो ना हो मेरे बारे में, वो भी आप एक बार वेरीफाई कर ले, अगर ऐसा होता है तो आप सोच सकते हैं कि ये क्लासेज मैंने निगेटिव है, पॉजिटिव रहेगा आपके लिए, तो ये भी चीज आप देख सकते हैं, राइट?